अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर कुकिंग लंच व्लॉग। तो यहाँ मॉर्निंग का 8 बज रहा है, मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी है। अंडे की कुछ यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो पे पूरा बने रहें और लास्ट तक वीडियो ज़रूर से देखें। यहाँ पे मैंने सारे प्याले को अच्छे से तेल से ग्रीस कर दिया है, उसके बाद अंडे फोड़ कर डाल देना है। अंडे को ये बॉयल्ड होता हुआ पानी में ऐड कर देंगे, इसके बाद चॉप ऑनियन इसी अंडा में डालेंगे, ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे, उसके बाद टोमेटो ऐड कर देंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड कर देंगे, चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा अंडा का बॉयल्ड अंडा का टेस्ट आएगा। 2 मिनट ढककर पकने देंगे, अच्छे से पक जाएगा तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से मुकम्मल एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए तो स्पून की मदद से इसको अच्छे से निकाल लेंगे, इससे टूटेगा नहीं, बहुत आराम से ही निकल जाता है। सारे अंडे को निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इस अंडे का यहाँ पे मसाला तैयार करने लगी हूँ। 2 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद जीरा ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, ऑनियन डालने के बाद इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इस तरह का ब्राउन हो जाएगा तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच ऐड करके इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ टोमेटो ऐड कर देंगे, इसको भी थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद फ्राई मसाले में ड्राई स्पाइसेस, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट ऐड करके इसको भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। उसके बाद इन मसालों में दही ऐड कर देंगे और दही का खट्टापन ख़त्म होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद 2 टेबल स्पून करीब वाटर डाल देंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा पकने देंगे। पकने देने के बाद अच्छा सा बॉईल आ जाएगा इन मसालों में। इस बॉईल अंडा को इन मसालों में ऐड करके अच्छे से इस मसालों के साथ अलट पलट कर कोट कर देंगे मसाला, और कोरिएंडर लीफ से गार्निशिंग कर देंगे। तो हमारा यम्मी सा जो है ये अंडे का सालन रेडी है। तो आई होप मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। अल्लाह हाफिज़।